हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार के दिन 2024 में पड़ रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, इस दिन अगर आप अपने जीवन में कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। तो कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिनको आप नोट भी कर लें और सुन भी लें। इससे अगर करते हैं तो आपकी समस्त बाधाएं दूर होंगी और परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी। उपाय किस प्रकार करना है? इसने ब्राह्मणों को भोजन करा दें। अगर वो नहीं आ सकते घर पर तो उनको कुछ दे आएं। इससे क्या होगा, आपके जीवन में कुछ बाधाएं कटेंगी। यानी कुछ खाने पीने की चीज़ ले जाएं और ब्राह्मण को दान दे दें, चरण स्पर्श करके उनको दक्षिणा दे दें। ये काम तो करना ही करना है। दूसरी चीज, परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो पीले फूलों की माला, पीले फल, पीली मिठाई, आपको चंदन का तिलक भगवान विष्णु को जरूर अर्पण करें और तुलसी दल के साथ अर्पण करें। इससे भी आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। और इस दिन जो है तिल डालकर स्नान करें और छिलका, जो तिल होता है ना, उसका 6 तरह से प्रयोग करना चाहिए। तिल का 6 तरह से प्रयोग करना चाहिए, खाने में, नहाने में, हवन में, तर्पण में और दान में। इसीलिए इसको षटतिला एकादशी कहते हैं। और माँ तुलसी की आराधना करें इस दिन। और तुलसी माँ पर आपको दूध चढ़ाना है हल्दी डालकर, लेकिन उनकी जड़ों में नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एकादशी वाले दिन ना तो तोड़ना चाहिए ना तुलसी माता को स्पर्श करना चाहिए। तो दूसरे पात्र में उनके नाम से आप अर्पण करें। यानी भाव प्रबल है, आपकी भावना अच्छी होगी तो माँ ग्रहण कर लेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली है तो एक मंत्र का जाप आप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार, ओम नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनु विष्णु प्रचोदयात। फिर मंत्र को सुने, ओम नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनु विष्णु प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। और इस दिन तिल के 11 लड्डू बनाकर भगवान को अर्पण करें। भगवान विष्णु को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते नारायणा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, अगर आपकी काम नहीं सुन रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो इस दिन आप करते हैं, एक मटका लाएं और उस पर लाल कपड़ा बांधें और उसके ऊपर रोली और अक्षत से पूजा करें। और जिसके लिए आप बात करना चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, उस पर मन ही मन में उसकी तस्वीर बना दें और कलश को देखते हुए 5 बार उस व्यक्ति का नाम लें। इससे वह व्यक्ति जो है आपकी बात मानने लगेगा, आपका कहना मानेगा, क्योंकि ये दिन अपने आप में सिद्ध है। और इस मटके को भगवान के चरणों में रख दें, फिर देखें वो व्यक्ति आपकी बात कैसे मानता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है षटतिला एकादशी का व्रत आप जरूर करें और विधिवत करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको चावल का सेवन नहीं करना इस दिन, क्योंकि चावल का अगर सेवन करते हैं तो कीड़े खाते हैं कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप व्रत रख रहे हैं तो जोड़े से रखें, नहीं था स्त्री अकेले ना रखें, यानी पति पत्नी दोनों मिलकर रखें, क्योंकि 11 से ऐसा कहा जाता है कि जोड़े से का व्रत रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बच्चे के माथे पर केसर का तिलक लगाएं, भगवान के पहले लगाएं, फिर भगवान से अपने बच्चे के लगा दें। और बाजार में एक मिलता है श्री विद्या यंत्र, उसको लाकर विधिवत आज के दिन पूजा करके बच्चे के गले में धारण करा दें, छोटा सा ले आए, नहीं तो बच्चे के पास जेब में पीले कपड़े में बांध कर रख दें। तो इससे भी जो बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। दोस्तों, उपाय तो अनेक है, लेकिन कुछ मैंने आपको छोटे मोटे बता दिए। अगर आप जीवन में करते हैं तो आपकी बाधाएं दूर होंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।